विपक्ष विहीन हुई पाक नेशनल असेंबली। इमरान खान की पार्टी के सभी 127 सांसदों ने दिया इस्तीफा। बेशक इमरान खान सत्ता से बेदखल हो चुके हैं, लेकिन इसी कुर्सी को फिर से पाने के लिए वह तमाम तिकड़मबाजी कर रहे हैं। उनका यह कदम इसी की एक कड़ी है। सीमा पर यूक्रेन सेना की गोलीबारी से भड़का रूस। राजधानी कीव के कमांड सेंटर पर दी हमला करने की धमकी। रूस का दावा है कि यूक्रेन की इसी सैन्य कार्रवाई में एक प्रेग्नेंट महिला और 7 लोग बुरी तरह घायल हो गए हैं। गंभीर आर्थिक संकट के बीच कोलंबो में सड़कों पर उतरे लोग, राष्ट्रपति से इस्तीफे की मांग। कोलंबो में महंगाई और बिजली संकट को लेकर सड़क पर उतरे लोगों ने सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार और कुशासन के आरोप लगाए। रूस यूक्रेन युद्ध को हुए 51 दिन, समय के साथ बढ़ रही टेंशन। लाखों लोगों ने किया पलायन, रूस के 19,800 सैनिकों ने गवाई जान। इसी बीच यूक्रेन ने मंगलवार को दावा किया है कि उसने रूस का एक युद्धपोत मिसाइल अटैक से नष्ट किया है। यूक्रेन के बाद फिनलैंड और स्वीडन भी रूस के निशाने पर, नाटो में शामिल होने की संभावना पर दी धमकी। रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष मेदवेदेव ने कहा कि फिनलैंड और स्वीडन अगर नाटो में शामिल होते हैं तो रूस को बालिस्टिक सागर में थल सेना, नौसेना और वायु सेना को मजबूत करना होगा। भारतीय मूल का ब्रिटिश डॉक्टर 48 महिला मरीजों का यौन उत्पीड़न करने के मामले में दोषी। स्कॉटलैंड में प्रैक्टिस कर रहा भारतीय मूल का यह 72 वर्षीय डॉक्टर। कोरोना संकट, दिल्ली में कोरोना के मामले ने पकड़ी रफ्तार। सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 325 नए मामले सामने आए हैं। गाइडलाइन के मुताबिक अगर दिल्ली के किसी स्कूल में एक भी कोरोना के केस मिलता है तो स्कूल बंद कर दिया जाएगा या उस विंग को बंद कर दिया जाएगा। यूपी पहुंचा महाराष्ट्र के लॉर्ड स्पीकर विवाद का शोर। अलीगढ़ कासगंज में लॉर्ड स्पीकर से किया गया हनुमान चालीसा का पाठ। अलीगढ़ में एबीवीपी की ओर से 21 चौराहों पर लॉर्ड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा पढ़ने की अनुमति मांगी गई है। एबीवीपी ने प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है। चूना और गारा से नहीं, काम से लिखा जाता है इतिहास, प्रधानमंत्री संग्रहालय के उद्घाटन पर कांग्रेस ने कहा। केंद्रीय विद्यालयों में अब सांसद और जिलाधिकारी कोटे से नहीं मिलेगा दाखिला, केंद्रीय विद्यालय संगठन ने लगाई रोक। डीजल से चलने वाली ट्रेनों के टिकट पर नहीं लगेगा अतिरिक्त शुल्क, रेलवे ने किराया बढ़ाने की आशंकाओं को किया खारिज। दबाव में आई कर्नाटक की भाजपा सरकार, कर्नाटक के मंत्री के एस ईश्वरप्पा आज देंगे इस्तीफा। ठेकेदार संतोष पाटिल की कथित आत्महत्या केस में नाम आने के बाद उठाया कदम। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी से ईडी ने 6 घंटे तक की पूछताछ, बाहर निकलकर बोले मुझसे जो पूछा वो बता दिया। खुशखबरी, इस साल मानसून के सामान्य रहने की संभावना, देश भर में होगी बारिश। दूसरी ओर राजस्थान में आसमान से बरस रही आग, बाड़मेर में पारा 43 डिग्री से पार, आज पड़ रही और भी भीषण गर्मी। महंगाई से आम लोगों की टूटी कमर, पिछले एक महीने से चीजों की कीमतों में हुए बड़े बदलाव। पेट्रोल डीजल रसोई गैस से लेकर फल और सब्जियों व अन्य जरूरी खाद्य पदार्थों के दाम आसमान पर है। पेट्रोल डीजल के सस्ता होने की उम्मीदों पर लगा झटका, इस बार टैक्स में कटौती नहीं करेगी सरकार। रांची में 2 युवतियों से गैंगरेप, एक नाबालिग समेत 5 आरोपी गिरफ्तार। धुरवा थाना क्षेत्र की है घटना, कल का है मामला। महिला कर्मचारी की गला रेतकर हत्या, जमशेदपुर के नजदीक आदित्यपुर की सालडीह कॉलोनी में गुरुवार देर शाम की है घटना। स्वर्ण रेखा बहुउद्देश्य परियोजना SMP में कनीय लिपिक के रूप में कार्यरत थी मृतिका 22 वर्षीय उषा रानी महतो, वह मूल रूप से चाकुलिया की रहने वाली थी। पलामू में जमीन कारोबारी के हथियारों की गिरफ्तारी की मांग तेज हुई, दूसरे दिन भी बंद रहा हरिहरगंज बाजार। बुधवार को हुई थी हरिहरगंज बाजार के व्यवसायी सह जमीन कारोबारी पप्पू शौडिक की हत्या। लातेहार के दोकर जंगल में पुलिस नक्सली मुठभेड़, झारखंड के लातेहार जिले के दोकर जंगल में आज शुक्रवार को पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। जानकारी के अनुसार दोनों ओर से 50 से 60 राउंड गोलियां चली है। हाथी ने बच्चे को कुचला, रिम्स रेफर। रांची जिले के बेड़ो प्रखंड के कोकड़े गांव में जंगली हाथी ने एक बच्चे को कुचलकर घायल कर दिया, इसके बाद उसे PHC में उपचार के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया है। बिहार में अपराधी बेखौफ, कहीं गोलीबारी तो कहीं हुई लूट। छपरा में निजी कंपनी में हुई लूट, आरा में छिनतई का विरोध करने पर अपराधियों ने महिला को गोली मारी। दानापुर में भी एक युवक को गोली मारने की खबर है। नवादा के बाल सुधार गृह में फंदे से लटकता मिला किशोर का शव। मृतक किशोर गया जिले का रहने वाला था, जिसे बाइक चोरी के आरोप में पकड़ा गया था। बिहार के सुपौल में बर्ड फ्लू की दस्तक से हड़कंप,
तेजी से चल रहा मुर्गे मुर्गियों व पत्तकों को मारने का काम। सुपौल में बर्ड फ्लू के मामले पाए गए हैं। इसके बाद लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। सदर थाने के छपकाही गांव में केस सामने आने के बाद वह मुर्गे मुर्गियों को मारने का काम शुरू कर दिया गया है। शराब के साथ पकड़े गए व्यक्ति को छोड़ना पड़ा भारी। 3 साल बाद 3 पुलिसकर्मी बर्खास्त। इनमें SI अनूप कुमार, ASI मोहम्मद सहराव आलम और सिपाही अवनीश कुमार है शामिल। पुनिया के दालकोला चेक पोस्ट पर दर्ज हुआ था मामला। पटना के बोरिंग रोड इलाके में बाइक सवार चेन स्नैचर सक्रिय। मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों को बनाते हैं शिकार। पटना के बोरिंग रोड इलाके में चेन स्नैचर सक्रिय हैं, जो बाइक पर सवार होकर वारदात को अंजाम देते हैं। मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग इनका शिकार बनते हैं। दो ऐसे ही घटना हाल में सामने आई है, जो इस इलाके की पुलिस के लिए भी एक चैलेंज है। रूसी सेना ने फिर की बर्बरता। दंपति का आरोप, सैनिकों ने बेटी से पहले किया रेप, फिर सिर पर मार दी गोली। लड़की के पिता ने बताया कि रूसी सैनिकों ने उनके सामने ही उसकी इकलौती बेटी को पॉइंट ब्लॉक रेंज में गोली मारी। इसकी वजह से उसका सिर 2 टुकड़ों में बट गया। किसी तरह उसका शव ढूंढकर उसका अंतिम संस्कार किया गया। POK के PM अब्दुल क़यूम नियाज़ी ने प्रधानमंत्री पद से दिया इस्तीफा। नियाज़ी की पार्टी पाकिस्तान तहरीर ए इंसाफ पार्टी के 25 विधायकों ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा देने का ऐलान किया। यूक्रेन पर रूस का युद्ध अधिकांश देशों की आर्थिक संभावनाओं को कर रहा कमजोर। IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने कही यह बात। उन्होंने कहा कि यूक्रेन पर रूस के हमले से 186 देशों की आर्थिक स्थिति खराब हुई है। युद्ध ने ऊर्जा और अनाज की वैश्विक व्यापार को बाधित कर दिया है। यूक्रेन की सड़कों पर इंसान नहीं, जिंदा मिसाइलें घूम रही है। यूक्रेन और रूस की सेनाओं ने आमने सामने से हमला किया था। इसके बाद हमले में गिरे ऐसे मिसाइल थे जो अभी तक फटे नहीं हैं। रूस ने जब हमला किया था तो उन्होंने अपना पहला निशाना एयरफील्ड्स को बनाया, ताकि यूक्रेन को कमजोर कर आसानी से इस जंग पर अपनी मजबूती बनाई जा सके। रूस यूक्रेन युद्ध ने बढ़ाई टेंशन। चीन का ताइवान की राजधानी पर हमला। भविष्य में चीनी हमले के खतरे से निपटने के लिए ताइवान भी खुद को तैयार रखना चाहता है। इसी कड़ी में ताइवान ने एक युद्ध अभ्यास किया। इस दौरान उसके विमान ने चीनी विमान बन ताइवान की राजधानी पर हमला किया। आम आदमी पार्टी की राह पर BJP। हिमाचल सरकार ने किया 125 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान। हिमाचल चुनाव से पहले CM जयराम ठाकुर ने हिमाचल वासियों को बड़ा तोहफा दिया है। हिमाचल दिवस पर CM ने 125 यूनिट तक बिजली फ्री देने का ऐलान किया है। क्या पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाएगी केंद्र सरकार? पेट्रोल डीजल को सस्ता करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार ने राज्यों के कंधे पर डाल दिया है, जबकि केंद्र सरकार जानती है कि पहले GST लागू होने और फिर कोरोना महामारी के चलते राज्य की वित्तीय हालात ठीक नहीं है। इसके बावजूद केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उपभोक्ताओं को महंगे पेट्रोल डीजल से राहत देने के लिए राज्यों से दोनों ईंधन पर वैट घटाने की अपील की है। बस्तर में मनरेगा कर्मचारियों का अनोखा प्रदर्शन। हाथों में तिरंगा लेकर भीषण गर्मी में शुरू की 400 किलोमीटर की दांडी यात्रा। हड़ताली कर्मचारी का कहना है कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने से पहले चुनावी घोषणा पत्र में अनियमित कर्मचारियों की 10 दिन के भीतर नियमितीकरण करने की बात मुख्यमंत्री ने कही थी। सरकार बने 3 साल का समय बीत चुका है, लेकिन नियमितीकरण को लेकर सरकार किसी तरह की कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। इसी वजह से पूरे प्रदेश के 15,000 अधिकारी और कर्मचारी 4 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। जब प्रशासन ने नहीं सुनी गुहार तो पहाड़ काटकर खुद सड़क बनाने लगे ग्रामीण। सरगुजा के विकासखंड मैनपाट के मछले पॉइंट से लगे घांघी कोना श्रमदान कर सड़क बनाने का यह वीडियो यह बताने के लिए काफी है कि सरगुजा बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहा है और भावग्रस्त इलाकों की क्या स्थिति है। मैनपाट के ग्राम पंचायत पर पटिया के आश्रित बस्ती घांघी कोना तराई क्षेत्र में है। यहां से ग्रामीणों को मुख्य मार्ग तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर पहाड़ी रास्ता पैदल पार करना होता है। सड़क किनारे बैठे बुजुर्ग दंपत्ति को पानी देता बच्चा। फोटो देख ट्विटर यूजर ने लगाई तारीफों की झड़ी। दिल को छू लेने वाली इस तस्वीर को IAS अधिकारी अवनीश शरण ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। दयालुता के कार्य हमेशा से लोगों के दिल जीत लेते हैं, वो भी तब जब कोई बच्चा ऐसा काम को अंजाम दे रहा हो तो आँखों को बड़ा अच्छा लगता है। इन दिनों एक ऐसे ही तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें एक स्कूली बच्चा बुजुर्ग दंपत्ति को पानी देता दिखाई दे रहा है। झारखंड के सारंडा जंगल में फिर गांव बसाने की तैयारी। वन विभाग व CRPF की टीम ने कोशिश को किया नाकाम। हालांकि 10 हेक्टेयर जमीन पर मौजूद सैकड़ों पेड़ों को 5 दिनों में काट दिया गया है। एशिया के सबसे घना साल के जंगल के रूप में प्रसिद्ध है झारखंड का सारंडा। पिछले कई सालों से अवैध रूप से गांव बसाने की कोशिश कर रहे आसपास के गांव के घुसपैठिए। झारखंड में भीषण गर्मी के बीच बदलेगा मौसम का मिजाज।
बारिश के साथ वज्रपात का भी है आशंका। मौसम केंद्र सरकार द्वारा जारी पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य में 16 अप्रैल यानी शनिवार से 20 अप्रैल तक मेघ गर्जन के साथ बारिश के आसार हैं। राज्य के पूर्वी, उत्तरी पूर्वी, निकटवर्ती मध्य भागों से कहीं कहीं बादल के साथ मेघ गर्जन हो सकता है और इस दौरान बारिश की संभावना है। इसके साथ ही वज्रपात का भी आशंका व्यक्त की गई है। वर्ल्ड एथलेटिक्स में खेलेगी गुमला की सुप्रिया कच्छप। कहते हैं कि अगर हौसला बुलंद हो तो मुश्किलें भी मंजिले तक पहुंचने के रास्ते से हट जाती है। इस बात को साबित किया है झारखंड के गुमला जिले के एक छोटे से गांव की बुरहू की रहने वाली सुप्रिया कच्छप ने। सुप्रिया ने कम समय में ही अपनी प्रतिभा के दम पर विश्व एथलेटिक्स चैंपियन के लिए क्वालिफाई किया है। इस प्रतियोगिता का आयोजन 2 से 7 अगस्त तक कोलंबिया में होना है। इससे पहले सुप्रिया 3000 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड भी बना चुकी है। भागलपुर में शराब पीते धराए भाजपा के जिलाध्यक्ष, नए नियम ने जेल जाने से बचाया, फाइन लेकर पुलिस ने छोड़ा। भागलपुर में पुलिस ने शराब पीते भाजपा के जिला अध्यक्ष को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हालांकि बाद में बिहार में शराबबंदी को लेकर बनाए गए नए नियम के तहत फाइन लेकर उन्हें छोड़ दिया गया। बिहार में गर्मी को लेकर 6 जिलों में हाई अलर्ट, आपदा विभाग ने जारी की एडवाइजरी। कहा लू से बचने के लिए दोपहर 12 से 3 तक घर में ही रहें लोग। बिहार के जिन 6 जिलों में 3 घंटे लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है उनमें गया, औरंगाबाद, बक्सर, पटना, रोहतास और कैमूर शामिल है।